को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी की ओर से इस मुद्दे पर बयान देने के बाद चर्चा और तेज हो गई है। कुछ विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि वह सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, फिर उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40% की कटौती जो क्यों की है। वहीं कपिल सिब्बल ने इसका समर्थन किया है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं। सभी से बुद्धिजीवियों से सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग लगभग पूरा होने की ओर है। उनकी कमिटमेंट है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे और असेंबली से पहले, चुनाव से पहले हम पार्टी ने हमारी ओर से कमिटमेंट की थी कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, उसमें ड्राफ्ट आएगा तो उसका स्वागत करना चाहिए। छोटे छोटे समूहों के पूरी दुनिया समरूपता से विविधता की ओर बढ़ रही है और हम उल्टे पांव की यात्रा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। उनको ध्यान में आ गया है कि सवामेशी सभी लोगों को सम्मिलित करके जो समय एक समय की मांग है आज। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है। लाने दीजिए, जब वो लेके आएंगे सदन में आएगा, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा तो हम उस पर पढ़कर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं। पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। अरे उनको पूछो ना कि पहले रोजगार कैसे दोगे यार, महंगाई कैसे घटाओगे, पहले उस पर बात करो ना।